हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से रात में सिद्धाश्रम में रुकने के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वहां से निकले और शरयू के तट पर आए। शरयू के उगम की, शरयू की कथा विश्वामित्र मुनि ने बतानी शुरू की। ब्रह्मा जी ने अपने मन से बहुत पहले एक सुंदर बड़े तालाब को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया मानस सरोवर। मानस अर्थात मन, सरह संस्कृत मीन्स अ लेक, सो मानस सरह, वर मीन्स द बेस्ट, सो द बेस्ट ऑफ लेक्स विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द माइंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, मान सरोवर। हम देखते हैं कैलाश जी का स्थान या शिव जी का स्थान कैलाश भी मान सरोवर के आसपास ही है। So, मान सरोवर से, उस सरह से निकली हुई नदी सरयू। So, सरह से या उस लेक से निकली नदी सरयू, ये है सरयू नदी का उगम। सरयू नदी हम देखते हैं कि सिद्धाश्रम सरयू और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे था। So, दूसरे दिन सर चल करके उन्होंने सरयू पार की। सरयू पार करने के बाद वो गंगा के किनारे आए, गंगा भी पार की। गंगा पार करने के बाद में वो एक बहुत ही महान भीषण ऐसे जंगल में आ गए जहां पर केवल गर्मी ही गर्मी थी, वहां पर कोई सुगंधित फूल नहीं थे, वहां पर वन्य पशु भी नहीं रहते थे। हर जगह काली काली जमीन है और वहां पर इतने सूखे से जमीन में इतने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जमीन को इतनी दरारी आई हैं कि कई बार उसमें हाथी भी अटक जाए। आप सोचिए, हाथी अटकने तक का दरार जमीन में, तो कब से उस धरती पर पानी नहीं गिरा होगा, कुछ अच्छी एक वन की उपमा देने लायक जगह भी नहीं थी वो। प्रभु राम पूछते हैं विश्वामित्र मुनि को कि अरे ऐसा स्थान भी पृथ्वी पर है, हमें पता ही नहीं था, क्या ब्रह्मा जी ऐसा भयंकर स्थान बना सकते हैं? तो तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये स्थान हमेशा ही ऐसा नहीं था। एक्चुअली कुछ समय पहले तक ये स्थान एकदम हरा भरा सुंदर वन था। विश्वामित्र मुनि बताने लगे द स्टोरी ऑफ दिस फॉरेस्ट। उन्होंने कहा बहुत समय पहले इंद्र ने एक बहुत ही बड़े और बलशाली असुर का वध किया जिसका नाम था वृत्रासुर, और ये वृत्रासुर एक महान वैष्णव थे। वैष्णव को मारने का जो पाप लगा इंद्र को, इंद्र की पूरा शरीर जो है वो पस से भर गया, गंदी बदबू आने लगी और उन्हें बहुत भूख लगने लगी। अतीव भूख और गंदगी से पीड़ित इंद्र इस स्थान पर आए थे और यहां पर आकर के यहां की सुंदर झीलों में और तालाबों में उन्होंने स्नान किया और यहां की जड़ी बूटियों से अपने शरीर के पूरे मल को साफ कर दिया। इसके बाजू में ही एक सुंदर वन था, वहां पर बहुत अच्छे फूलों के और फलों के पेड़ लबे लबे थे। वहां से उन्होंने फल खाए, जड़ी बूटियां खाई और इंद्र की भूख या क्षुधा शांत हो गई। इंद्र ने इस खुशी से इन दोनों जंगलों का नामकरण, रिक्रिश्चनिंग, फिर नाम पुनः नामकरण किया। जहां पर उन्होंने अपने मल से छुटकारा पाया उस वन को उन्होंने नाम रखा मलद, जो मल को धो देता है, मलध। और जहां पर उनकी भूख शांत हुई उनका नाम उन्होंने रखा कारुष, अर्थात जो भूख को शांत करता है, मलध और कारुष। इंद्र ने वहां पर आशीर्वाद दिया कि आप लंबे समय तक ऐसे रहेंगे। हम देखते हैं कि कई बार
हमारे ही बहुत मेहनत करने से वरदान मिलते हैं और सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। इन दो वनों ने केवल इंद्र की सेवा की और उस सेवा से इंद्र ने हृदय से खुश होकर के जो वरदान दिए, उससे भी इन दोनों वनों का बहुत भला हो गया। कालांतर में ये दोनों वन बहुत समय तक सुंदर रहे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहां पर एक राक्षस आकर रहने लगे जिनका नाम था सुकेतु। सुकेतु ही वॉज चाइल्डलेस, उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें 1000 हाथियों की शक्ति वाली एक पुत्री होगी। कालांतर में सुकेतु को एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने रखा ताटका। ताटका का जो शरीर था महाबलशाली था। ताटका का जो विवाह हमने देखा, ताटका का विवाह सुंद नाम के एक राक्षस से हुआ और सुंद और ताटका ने दो पुत्रों को जन्म दिया, मारीच और सुबाहु। मारीच जिनके बहुत ही बलशाली शोल्डर्स हैं, बहुत ताकतवर हैं। सुबाहु somebody who is an expert wrestler। और ये दोनों क्या हुआ, कालांतर में सुंद को मार दिया गया क्योंकि वो राक्षस था। ताटका उनके अपने पति के मरने से इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने बदला लिया। सुंद को सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के मारा था क्योंकि वो ऋषि मुनियों को बहुत त्रस्त करते थे। ताटका ने सारे ऋषि मुनियों को उस जंगल से उजाड़ दिया। ऋषि मुनियों के वहां पे न होने से, वेद अध्ययन पाठ आश्रम इत्यादि न होने से वहां पर पुण्य कम हो गया और पुण्य कम होने से वहां पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने से झाड़ियां सूख गई और एक बार हवा के बहने से चिंगारी में अपने आप पूरा जल करके वो कारुष और मलद, ये दोनों जो वन थे वो नष्ट हो गए। दिस इज द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। एवरीथिंग गुड ऑल्सो हैज अ टाइम फ्रेम टू एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग बैड ऑल्सो हैज अ टाइम फ्रेम टू एग्जिस्ट। कुछ भी इस जगत में शाश्वत नहीं है, सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। साधारण फॉरेस्ट थे, इंद्र की सेवा की वहां पर और वो फल फूल गए। बाद में ताटका और सुंद आए, उन्होंने उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया और आज वो ऐसी परिस्थिति में थे जहां पर वहां कोई नहीं रहता था, केवल इतनी दरारें थी जमीन में कि हाथी तक घुस जाए तो अटक जाए। अब प्रश्न ये था कि आगे जा करके प्रभु राम को ताटका का ही वध करना था एंड ताटका वुड बी द फर्स्ट डीमनस विच वुड डाई एट द हैंड्स और rather which would be liberated at the hands of लॉर्ड राम। और वो कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। I'm